आज तक जो हमारी शुगर मिले हैं बड़े घाटे में दिखा रखे हैं, 90-95 करोड़ रुपए हर मील आए साल घाटे में चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज से जब से सरकार, 7 साल पहले भी जो शीरे का रेट था, वो शीरे का रेट जो इनके दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पेरेंटल धंधा है, जो शीरा खरीदना, इसके भाई उस व्यापार को करते हैं, उसको कोड़ियों के भाव में खरीदने का काम किया, इतने बड़े चूने लगाए, और उस मिलों के अंदर जो सप्लाई जो इंजीनियर अपने लोगों को लगाकर उनको जो है ना वहाँ डुप्लीकेट सामान डालने का काम जो है ना इस मंत्री महोदय ने किया। और अब मुझे दुख हुआ आज इस बात का, सुबह जो मैंने आपको कॉल की, मैंने एक जागरण का बड़ा सारा नोट पढ़ा, न्यूज आई हुई है आज के, उसमें मेरे पास आई, उसमें देखा कि उनको बहुत बड़ा गिफ्ट। मुझे दुख हुआ इस बात का कि हमने समर्थन जो है ना एज ए निर्दलीय माननीय मनोहर लाल को, एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री को, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की उनको समर्थन किया था, लेकिन आज भी इतना कुछ होने के बाद भी आज मुझे ये पड़ गया, हैरानी हुई कि उनको इनाम दे के उनकी वजह से लोकसभा का चुनाव जीते। मैं सरप्राइज हूँ, अगर जो आदमी अपनी सीट नहीं बता सका वो लोकसभा का चुनाव जिताने की हैसियत कब से होगी उसकी। वो टोटली का टोटली लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और उसी टाइम की सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी देन है, वो जीत हासिल करना। इसमें इस शख्स का, अगर ये शख्स पिक्चर में नहीं होते, पूरे रोहतक के ठेकेदार बनते थे कि मैं चारों सीट जीतूंगा, कहते थे ना, दावा करते थे चारों सीटों का, आपके सामने बड़ी बड़ी बातें होती थी, अपनी सीट जो बचाने के काबिल नहीं जो शख्स, आज इन लोगों की वजह से मेरी टिकट काटी गई, सबको पता था, सब चला रहे थे, अगर मैं यहाँ 50,000 से जीतता अगर मुझे बीजेपी की टिकट मिलती, लेकिन इन लोगों, क्योंकि ये लोग उस आदमी को नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं स्पष्ट आदमी हूँ, इनकी पैर तबाने की मेरी आदत नहीं, इनकी कभी चमचागिरी नहीं करी, क्योंकि मैं लोगों की सेवा करने के माध्यम से राजनीति में आया हूँ, किसी की चमचागिरी करने के लिए नहीं। मैंने प्रेरित हो गए मुख्यमंत्री जी से, लेकिन आज मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों की आज भी उनकी उसमें अगर चुगल से बाहर निकले तो कब सीखेंगे इस बात को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऊपर आई थी उससे भी ज़्यादा स्पीड से जाने का काम करेंगे। इन लोगों से अगर सावधान होकर इनको किनारे नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला भविष्य खतरे में होगा।